हेलो दोस्तों, अगर आप भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने स्मार्टफोन में एक फीचर को तो जरूर देखा होगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। तो बहुत से लोग इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये जो फीचर दिया गया है या फिर ये जो ऑप्शन दिया गया है ये फालतू का है। लेकिन ये जो फीचर दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका एक्चुअल में क्या यूज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन से ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल लग जाती है जिससे हमें ये लगता है कि ये क्यों हुआ, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी ऑप्शन के बारे में यानी इमरजेंसी कॉल ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इस ऑप्शन को हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेल, जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और स्वागत है हमारे कम्प्लीटली टेक चैनल में। दोस्तों, जब भी हमारे फ़ोन में लॉक लगा होता है तो हम अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए वहां पर पिन या फिर पैटर्न लॉक डालते हैं, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी कॉल, तो इस ऑप्शन की मदद से या फिर इस फीचर की मदद से आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस ऑप्शन की मदद से या फिर इस फीचर की मदद से आप अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के ही फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इस ऑप्शन की मदद से आप केवल इमरजेंसी कॉल ही कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इमरजेंसी ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पर कोई भी रैंडमली नंबर टाइप करोगे तो ऐसे में कॉल नहीं जाएगा। अगर आपने पहले से ही इमरजेंसी कॉल ऑप्शन किसी भी नंबर को सेव कर रखा है तो ऐसे में कॉल चला जाएगा। तो इमरजेंसी कॉल ऑप्शन में किसी के भी नंबर को कैसे सेव करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद वहाँ पे आपको किसी भी नाम को सेव कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई भी नाम सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडमली फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप का, तो आपको ग्रुप पर क्लिक करना है। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ICE इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो आपको आपको उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे आपका फ़ोन लॉक होगा और वहाँ पर आप इमरजेंसी कॉल ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको रेड कलर का आइकन दिखाई देगा, किसी का भी नंबर है वो सेव हो जाएगा। तो इस ऑप्शन की मदद से केवल आप इमरजेंसी कॉल ही कर सकते हो। तो जैसा कि इंडिया में एक इमरजेंसी नंबर है 112, जो कि ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर की मदद से अगर ये नंबर आप डायल करते हो तो ऐसे में कॉल चला जाएगा। तो ये एक इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर की मदद से मान लो अगर आपके आसपास कोई लड़ाई हो रही है या आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या फिर डार्क पुलिस को कॉल करना है, तो ऐसे में अगर आपका फ़ोन लॉक है और आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है और आपको याद नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप इस इमरजेंसी कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लो अक्सर होता है ना कि हम हर बार में अपना जो फ़ोन का लॉक होता है वो भूल जाते हैं और हमें कॉल करना होता है, और उस समय हमें अपने फ़ोन का जो लॉक होता है पासवर्ड या पासवर्ड होता है पैटर्न लॉक याद नहीं आता, तो इस तरह की कंडीशन में आप इमरजेंसी कॉल ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर 112 नंबर को डायल करके आप सिंपली पुलिस को कॉल कर सकते हो। जैसे कि इमरजेंसी कॉल ऑप्शन पर क्लिक करोगे वहाँ पर 112 नंबर डायल करोगे तो ये एक इमरजेंसी नंबर है। जैसे आप 112 नंबर डायल करोगे तो वहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो आसपास के लोकल एरिया के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में आपका जो फ़ोन है वो आसपास के लोकल एरिया के पुलिस कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने फ़ोन किया है वहाँ पर आप बता सकते हो, तो वो पुलिस क्या करेंगे जल्द से जल्द आपकी जो मदद प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप इमरजेंसी कॉल ऑप्शन जो कि हर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन से ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार कॉल रिसीव भी हो जाती है और हम घबराहट में उस कॉल को काट देते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कॉल रिसीव हो जाता है तो वहाँ पर आप कह सकते हो सर गलती से फ़ोन लग गया, और आप सिंपली फ़ोन को काट सकते हो। वैसे तो आप कॉल लगने पर भी काट सकते हो और चाहे रिंग बजे, डोंट वरी, आपके पास किसी भी तरह का कॉल बैक नहीं आएगा। अगर बाई चांस कॉल बैक आ भी जाता है तो आप फ़ोन उठा कर बोल सकते हो कि सर गलती से फ़ोन लग गया, तो इसमें घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि हमारे फ़ोन तो अपने आप
इमरजेंसी कॉल लग गया है। तो दोस्तों देखो सिंपल फंडा है कि ये पावर मोबाइल का स्मार्टफोन में जो पावर बटन होता है, पावर ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो उस बटन को आप 3 बार प्रेस करते हो यानी 3 बार दबाते हो तो आपका जो इमरजेंसी कॉल ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो ऐसा होता है कि जब भी हम अपने फोन को मतलब स्विच ऑफ करते हैं या अपने फोन को ऑन करते हैं तो वहां पर हम गलती से पावर बटन को 3 बार टैप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो इमरजेंसी कॉल है वो लग जाती है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ये इमरजेंसी कॉल ऑप्शन क्या है, इसका भी इसलिए क्या यूज है, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि इससे उनको भी पता चल जाए ये इमरजेंसी ऑप्शन क्या है, इसका क्या यूज है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें बगैर मत जाना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।